हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन ट्यूटोरियल मेडिकल एजुकेशन। अब सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आर्बिटॉन सिरप के बारे में, जो कि एक 200 ml का सिरप है और आयरन टॉनिक है, यानी रेड ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड कर्पसल्स को इंक्रीज करता है और खून की कमी को पूरी करता है। सो फ्रेंड्स, आर्बिटॉन बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है इसका इंडिया में, आर्बिटॉन सिरप का, और काफ़ी प्रचलित है। सो फ्रेंड्स, इस प्रचलित दवा यानी आर्बिटॉन सिरप का उपयोग मुख्य रूप से खून और विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो एक्टिव साल्ट है वो आर्बिटॉन में जो एक्टिव साल्ट है वो आयरन, फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 और साइनो कोबालामिन, विटामिन B12 जिसको बोला जाता है, और कैल्शियम, ये सब इसमें मिक्स है। और इसके इस्तेमाल करने से ये आपके शरीर में आयरन की मात्रा व वृद्धि को बढ़ा देगा, जो लाल रक्त कणिका को स्वस्थ रख रखाव में काफ़ी काम आता है, और शरीर को चुस्त व दुरुस्त रखकर शरीर को एनीमिया जैसी समस्याओं से सुरक्षित रखता है। इसमें मौजूद फोलिक एसिड हमारे कई शारीरिक कार्यों को स्वस्थ रखने का कार्य भी करते हैं, और इस दवा का सेवन करना महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका यूज़ बता दूं कि इस दवा का इस्तेमाल कई प्रकार की समस्याओं के लिए किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि आर्बिटॉन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं तो प्लीज़ घबराएं नहीं, आपको इसके इस्तेमाल के बारे में अपने इस रचना में बताने जा रहे हैं, इस आर्टिकल में बताने जा रहा हूँ। इस दवा का इस्तेमाल निम्न समस्याओं का इलाज, रोकथाम या मेंटेन व सुधार के लिए किया जाता है, नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। जैसे खून की कमी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, गर्भ अवस्था के दौरान इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, और मेंसुरेशन यानी जिसको मेंसुरेशन मेंसिस होते हैं, मेंसिस जो जिसको हम पीरियड बोलते हैं, नेचुरली ब्लीडिंग होती है मंथली फीमेल्स में, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अल्प खुराक जैसे और विटामिन B12 की कमी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बचपन की रक्तहीनता के उपचार को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, एक्टिव कंटेंट हैं, वो फेरस ग्लूकोनेट 5 mg में, विटामिन B12 1.25 mcg में, कैल्शियम लैक्टेट 75 mg में, फोलिक एसिड विटामिन B9 0.25 mg में, और इससे मिलती जुलती और कई सिरप हैं, जैसे गट क्लियर सिरप, एडलिव सिरप, जिंकोविट सिरप, बट आर्बिटॉन सिरप इज़ बेस्ट सिरप। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, यह जो सिरप है डॉक्टर के द्वारा, सो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टर के द्वारा बताए जाने पर हम इस दवा का सेवन और इस्तेमाल कर देते हैं, पर क्या किसी को इस बात का पता है कि यह दवा हमारे शरीर में किस प्रकार काम करती है, कैसे एक्शन करती है? इसमें मौजूद सभी तत्व अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। यह दवा हमारे शरीर में फ्रेंड्स, इस दवा को लेने से पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दवा का सेवन डॉक्टर के परामर्श से करें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी दवा से एलर्जी की समस्या उत्पन्न होती है तो डॉक्टर से अवश्य डिस्कस करें, उनसे एडवाइस लें, अपनी पूर्ण स्थिति की जानकारी डॉक्टर को दें। जैसे अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं तो उसकी आपको जानकारी डॉक्टर को देनी चाहिए, और दवा के सेवन के दौरान किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। तो फ्रेंड्स, ये जो सिरप है, आपको मैं इसके कंटेंट दिखा दूं, ये कंटेंट्स हैं थेरापेटिक यूज़, आप देख सकते हैं, ग्लूकोनेट है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, और विटामिन B12 है, और कलर कैरामिल है, और यहाँ पे एक नोट दे रखा है, शेक द बॉटल बिफोर यूज़, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, और इसको यूज़ करने से पहले एक बार शेक ज़रूर कर लें ताकि इसके शुगर और इंग्रेडिएंट अच्छी तरीके से मिल जाएं। और इंडिकेशन दे रखा है इन्होंने कि
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिसमें बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। प्रेगनेंसी एमिया एनीमिया प्रेगनेंसी में आयरन का ज़्यादा, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसमें एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। और जनरल वीकनेस में भी आप इसको ले सकते हैं क्योंकि जनरल वीकनेस में ब्लड की कमी हो जाती है। और कन्वलसेंस में भी आप इसको ले सकते हैं, इसमें भी फोलिक एसिड आयरन की कमी होती है। और चाइल्डहुड एनीमिया ड्यू टू वॉर्म इन्फेस्टेशन, चाइल्डहुड में एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है वॉर्म इन्फेस्टेशन से, तो आप ले सकते हैं। और ये इसकी डोसेज दे रखी है जो मैं आपको दिखा दी, और आप इसकी डोसेज इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आर्बिटोन सिरप है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।